तो गाइस अभी सुबह के बजे है 6 और देख सकते हो आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम उतर चुके हैं। ये गाड़ी मैंने रांची से पकड़ी थी और सुबह राइट टाइम 6:05 पे यहाँ पे आने का टाइम था और 6 बजे ही यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ से फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। वैसे पीछे की जर्नी मैंने बनाई नहीं बट आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। उसको आपसे जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फाइनली तो हम यूपी में हैं फिलहाल जी हां दोस्तों। इससे पहले क्लिप जो आप लोगों ने देखी है वो मैं सुबह 6:05 पे जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँचा था लोकमान्य तिलक से रांची से यहाँ तक, तो मैंने वो वीडियो क्लिप बना ली थी। उसके बाद 9:20 पे मेरी यहाँ से ट्रेन थी, तो 6 बजे और 9:20 यानी कि 3 घंटा 20 मिनट मुझे यही वेट करना था। जब रात पर बंदा सोता नहीं है तो इस जैसे शक्ल हो जाती, इस तरीके की शक्ल हो जाती मेरे जैसी। फिलहाल अभी 9:15 9:09 बजे का टाइम हो गया और मेरी गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी है जो कि है कामाख्या एक्सप्रेस, ठीक है। तो अभी पंडित दीनदयाल पर हमारी सुबह हुई है। हाँ, इसलिए आँखें ऐसी हैं क्योंकि 1 घंटा पहले भी मैं सो गया था बेंच पर लेट कर, तो धोखे से उठ गया, वरना ये ट्रेन भी जाती। 9 बजे उठा और 9:20 पर ये ट्रेन निकलनी है, पहले टाइम से यहाँ पे आ गई थी। चलिए बैक एंड में कॉल करते हैं और लखनऊ तक की जर्नी को करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस और कुछ बातें जो रह गई वहाँ के लिए वो और भी शेयर करते हैं। यहाँ पर आप लोग पहले देखेंगे तो अभी मेंटेनेंस का काम चल ही रहा, और भी स्टेशन ये बन रहा है आगे की तरफ, या तो और बन रहा है या तो इसी को मेंटेन किया जा रहा है। अभी देख सकते हो नीचे ये सब रखे हुए हैं और ऊपर से अभी खाली है। वैसे भी जो ये पहले स्टेशन था मुगल सराय नाम से था और ये एरिया पूरा मुगल सराय है, ठीक है। यहाँ से इजिली आपको ऑटो टेम्पो वगैरह मिल जाएंगे बनारस जाने के लिए। जैसे ही ट्रेन से उतरोगे, स्टेशन से बाहर निकलोगे तो हो जाएगा। अब इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है मुगल सराय रेलवे स्टेशन से। तो आप लोग देख लो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये देख सकते हो। चलिए हमारी ट्रेन ये खड़ी है और मेरे साथ एक लोचा ये हो गया भाई कि अभी ऐसा हो गया था, इस ट्रेन का मैं स्टेटस देख रहा था तो D3 जो कोच नंबर है वो पीछे दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ से मेरा लखनऊ तक का मतलब सेटिंग सेकंड सेटिंग का है, स्लीपर का नहीं है। तो ये D3 पीछे दिखा रहा था, मैं पहले पीछे गया आधी दूर से, पीछे देखा तो कुछ नहीं लगा, ऐसी कोच लगा था। आगे आया तो आगे देखा है लगा हुआ है, पर उस पर लिखा हुआ सिर्फ लिख दिया गया है शायद किसी पेन वन से किसी से लिख दिया मार्कर से कि ये D3 है। तो उसमें अपनी 42 नंबर की सीट है, ले लेते हैं चल के, और सबसे आगे ही लगा हुआ। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये हैं गंगा जी और आप लोग दर्शन कीजिए बनारस के सारे घाटों का एक साथ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सारे के सारे घाट एक साथ दिख रहे हैं बनारस के। चलिए तो गाइज़ अभी टाइम सुबह का 10:16 हो गया और ट्रेन हमारी वाराणसी जंक्शन पहुँच गई। इसका एक और अच्छी सी बात बता दें कि इस ट्रेन का अगर वैसे देखा जाए तो रूट काफ़ी अच्छा है, 320 किलोमीटर का कम से कम इसका डिस्टेंस है लखनऊ तक का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लखनऊ तक का। लेकिन स्टाफ है सिर्फ 2 ही दिखा चुका है, क्योंकि स्टॉप 2 ही दिखाता है, एक बनारस वाराणसी जंक्शन पर रुका है और दूसरा रुक गया अयोध्या केबिन पर, उसके बाद सीधा लखनऊ। अगर ऐसा होता है तो ये मेरे लिए आज तक की सबसे बेस्ट ट्रेन रहेगी यार। और तब थोड़ा सा टाइम है, लगता है 5:00 बजे पहुँचाएगी, देखते हैं राइट टाइम पहुँचा देती है या लेट वगैरह हो जाती है, ठीक है। और वैसे तो दोस्त अभी तक रांची की याद मन से गई नहीं है, मुझे मेरा लग रहा है ऐसा कि मेरा तन यहाँ आ गया, मेरा मन वहीं रांची में छूट गया है, क्योंकि इतने प्यारे लोग और इतनी प्यारी जगह, तो कुछ कनेक्ट हो गया है वहाँ से। तो अभी ये जो वहाँ का फेवर है ना वो अभी नहीं उतरेगा ऐसे। तो रांची भी ठीक था और वहाँ पे जो स्नैप वगैरह मिली उनका तो अलग ही लेवल का एक एक्सपीरियंस था, साथ में एक केमिस्ट्री थी। तो चलिए सीट वैसे भी काफ़ी मुश्किल से मिली है क्योंकि आप लोग देखे हैं कि भीड़ कितनी है इस ट्रेन में। तो चलिए सफ़र करते, थोड़ी सी यही इसकी दिक्कत है कि इतनी भीड़ है इस ट्रेन में, बाकी इसके स्टाफ सिर्फ 2 ही लखनऊ तक है। तो देखते हैं 2 ही जगह रुकता है या कहीं और भी रुकता, अगर अयोध्या में रुकेगी तो वहाँ भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यार। तो ये रहा कुछ बनारस जंक्शन वाराणसी जंक्शन। अब प्लेटफार्म मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा किस प्लेटफार्म पे आई है, पर 1 2 3 तीसरे पर, 1 2 3 4 पाँचवें पे आई है, 5 नंबर प्लेटफार्म पे ये आई है गाड़ी। तो गाइस जैसे जैसे मैं इस ट्रेन का मतलब इस ट्रेन की तारीफ़ करने लगा था वैसे वैसे अपना रूप भी दिखाने लगी। तो अभी ये बनारस से कुछ ही दूर चली और जफराबाद जंक्शन पर ये रुक गई। अब यहाँ पे इसका स्टाप नहीं, इसका स्टाप सीधे अयोध्या कैंट पे था और आधे घंटे से खड़े होने के बाद अभी हॉर्न दे चुकी है। चलिए तो चलते हैं। ये देखिए आधे से ज़्यादा ट्रेन तो नीचे वाले बैठे थे भैया, उधर भी स्टेशन है जफराबाद के, भैया यार जाना चढ़ जाए थोड़ा सा। तो गाइस ये रहे हमारे आधुनिक इंडिया के आधुनिक पर्सन जी। हाँ दोस्तों, सीट ना मिलने पर इन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया है भाई,
वैसे तो माना जाता है इंडिया एक जुगाड़ पे ही टिका हुआ है, बट इस तरीके का जुगाड़, वाह भाई वाह, मौज कर दी भाई इन्होंने। पूरा पर्दा उर्दे को बांध के इधर से उधर, ठीक है, निकलने वाले को भी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत, नीचे वाला भी सोच रहा है कि ऊपर से गिरा तो हमारा क्या होगा। तो भाई देख सकते हो पूरी मस्ती से इसमें लेटे हुए हैं, एकदम बड़े दिनों बाद ये जो है नज़ारा देखने का मिला है आफ्टर लॉकडाउन। ऊपर से इस तरीके का ट्रेन में नज़ारा देखने को मिला है, जो कि जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कूड़ा करकट बोतल है ना, जो भी है सब यहीं पे डालना है, बाहर कुछ नहीं फेंकना है, सब जो करना है ट्रेन के अंदर ही गंदा कर। तो गाइस वैसे बच गया है मेरा टाइम, इस समय हो गया 3 बजे का और यहाँ पे गाड़ी आने का टाइम था 1:30 बजे, पर हालत मेरी वैसे ही ख़राब हो चुकी है, 24 घंटे का सफ़र होता है तो रास्ते में तैयार होने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह भी मैं सो के जब उठा स्टेशन से तब तुरंत गाड़ी लगी मिल गई, और अभी ये पहुंची है फैजाबाद यानी कि अयोध्या कैंट पे पहुंची है। यहाँ से अब इसका स्टॉप तो लखनऊ है, लखनऊ इसको डायरेक्ट यहाँ से रुकना चाहिए, बट ये 200 बार रुक के जाएगी मेरे को पता है, क्योंकि बनारस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद बनारस एक स्टॉप था, उसके बाद सीधा अयोध्या कैंट, उसके बाद सीधा लखनऊ, पर ये रास्ते 20 बार रुक चुकी थी, कहीं खेतों में खड़ी हो जा रही थी कहीं किसी छोटी स्टेशन पर, और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस ट्रेन के साथ में। चलिए बाकी भीड़ तो आप लोगों को दिखा दिए अंदर जाके किस किस तरीके से लोग लेटे हुए हैं, वो तो चलो अपना सीट बुक था तो बैठ गया, लेकिन परेशान हो गए भाई। तो चलिए बैक कैमरे को ऑन करते हैं और एक बार दिखाते हैं यहाँ पे अयोध्या कैंट, अयोध्या जंक्शन पे रुकी नहीं थी, अयोध्या कैंट पे इसका स्टॉप है। तो चलिए बैक कैमरे को ऑन करके दिखाते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं लखनऊ में। ये रही कुछ गाड़ी आगे से, आगे तीनों कोच जो है सेकेंड सीटिंग वाले लगे हुए हैं, उसके बाद पीछे स्लीपर है, उसके बाद एसी रूम, एसी कोच है, और स्टेशन उस साइड है, इस साइड ये थोड़ा बाहर का एरिया है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अयोध्या कैंट, काफ़ी साफ सुथरा है, ठीक है, फैजाबाद हुआ करता था, इसको अयोध्या बना दिया इन लोगों ने, और अनाउंसमेंट हो रहा है क्योंकि एक पर गाड़ी आ गई है और 1.5 घंटे लेट आई है, तो ये देखो कामाख्या गांधी धाम करके है गाड़ी का नाम, और इसी D3 में मेरा सीट है, देखते हैं तब तक तो कोई बैठ ही जाएगा अंदर, मुझे हटाना ही पड़ेगा भाई, दौड़ते ही हुए उतर लिया यार, और राइट टाइम आ गया एकदम 5 बजे। चलो चलते हैं भाई, फर्स्ट टाइम जाएंगे अंडरग्राउंड से हम आज पहली बार, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने का इतना ताकत नहीं है, अंडरग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी देख लेना ये वाला रास्ता कभी आके, एकदम मज़ा आएगा, सीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत नहीं है ऊपर फ्लाई ओवर से जाने की। तो गाइस फाइनली ट्रेन में मेरे को दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि आप देख सकते थे एकदम भूसे के जैसे भरी हुई थी, मतलब जितनी सीट हो उतना टिकट रहता है तब तो ठीक है, पर टिकट से ज़्यादा, मतलब सीट से ज़्यादा लोग थे, ज़मीन में पड़े हैं, ऊपर लटके हैं, ऊपर पड़े हैं, बैग भी रखने के लिए जगह अपने ऊपर रखना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा तो जैसी प्रॉब्लम हुई जो कि मैंने आप लोगों को बारी बारी से दिखाया उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, और हालत मेरी कुत्ते जैसी हो गई क्योंकि कल से नहाया नहीं, 24 घंटा पूरे मुझे ट्रैवल करते हुए हो गया है, अक्सर होता है सजने संवरने का टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग मैनेज करना, ये मत बोलना कि कैसा लग रहा है, बालों में तेल नहीं गया है, थोड़ा पानी नहीं गया तो तेल कहाँ से जाएगा, तो आप लोग देख लो पीछे ही 4 बाग रेलवे स्टेशन, यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 5 में मेरी गाड़ी आई थी, और अयोध्या कैंट से पहले ये 1.5 घंटा लेट चले थे, अयोध्या कैंट पर आने के बाद इसके जो लोको पायलट थे वो चेंज हो गए, और उसके बाद ये राइट टाइम लखनऊ अपने राइट टाइम यानी कि 5 बजे आके छोड़ दी हमको है, तो ज़्यादा खुशी हुई, छोटी सी जर्नी थी, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना, इंस्टाग्राम पर अभी तक अपने फॉलो नहीं किया है, यहाँ पर इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए फॉलो करिए, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एंड करें इस वीडियो को, एप एंड करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।